हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस आई एम शैली योर मैथ्स टीचर एंड स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शेप्स ओके एंड ज्योमेट्री सो स्टूडेंट दिस शेप इज नॉन एज स्क्वायर ओके क्या बोलते हैं हम इसे स्क्वायर अब इसमें क्या है फोर साइड्स वन टू थ्री फोर फोर साइड्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल ओल्सो इट हैज़ फोर vertex. One, two, three, four. तो so, इसके पास क्या है इसके फोर vertex एक्स हैं ओके सो फोर वर्टेक्स फोर साइड्स क्लियर एंड यहां पर हम जो corners होते हैं लाइक दिस वन कॉर्नर टू कॉर्नर थ्री फोर सो ये जो फोर कॉर्नर्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं वर्टेक्स ओके नेक्स्ट इज रेक्टेंगल क्लियर सो रेक्टेंगल्स में भी कितनी साइड्स yes, okay. uh, है काउंट करो ये हाउ मेनी साइड्स इन रेक्टेंगल वन टू थ्री फोर फोर साइड्स इन रेक्टेंगल ओके अब फोर साइड्स है रेक्टेंगल में तो अब क्या करेंगे यस टेल मी ऑल्सो इट हैज फोर वर्टेक्स एक्स वन टू थ्री फोर सो फोर वर्टेक्स फोर साइड्स बट दिस साइड एंड दिस साइड्स बोथ साइड आर नॉट इक्वल ओके अब इसमें क्या होता है टू साइड आर इक्वल दिस साइड एंड दिस साइड दिस टू साइड आर इक्वल दिस एंड दिस दिज टू टू लाइन आर इक्वल ओके और आप देख भी सकते हो इसके अंदर क्या है जो ये लॉन्ग साइड इक्वल टू लॉन्ग साइड शॉर्ट लाइन शॉर्ट साइड इक्वल टू शॉर्ट साइड क्लियर सो यहाँ पर क्या शॉर्ट साइड इक्वल टू शॉर्ट साइड लॉन्ग साइड इक्वल टू लॉन्ग साइड अब इसके अंदर क्या है वन लॉन्ग साइड है वन शॉर्ट साइड है क्लियर नजर आया और वैसे भी आप मेजर भी कर सकते हो ये क्या लॉन्ग और ये क्या शॉर्ट ओके सो ये दोनों इक्वल नहीं है बट ये लॉन्ग साइड और ये लॉन्ग साइड बोथ आर इक्वल क्लियर सो दिस इज रेक्टेंगल लॉन्ग साइड इक्वल टू द लॉन्ग साइड एंड द शॉर्ट साइड इक्वल टू शॉर्ट साइड और ऑल्सो हैव फोर वट एक्स वन टू थ्री फोर क्लियर नेक्स्ट शेप देखो दिस इज ट्रंगल क्लियर ये क्या है ट्रायंगल अब इसके पास क्या है थ्री साइड्स है वन टू थ्री थ्री साइड्स एंड थ्री वट एक्स थ्री कॉर्नर है ना वन टू थ्री थ्री कॉर्नर है तो क्या होगा ये थ्री वट एक्स क्लियर नेक्स्ट इज सर्कल क्या है ये सर्कल क्लियर अब सर्कल में क्या होता है चेकआउट करो Yes, तो ये क्या है सर्कल अब इसमें कोई साइड है नो कैसी शेप है ये राउंड शेप एंड नो वर्टेक्स नो साइड्स ओके सो स्टूडेंट्स ये किसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन लिया आज यस yes. देखो इसके बाद अगर मैं इसको कट कर देती हूँ क्या कर देती हूँ अगर मैं इसको कट कर देती हूँ लाइक दिस इक्वल पार्ट कर देते हैं तो इसको बोलेंगे हम सेमी सर्कल क्या कहेंगे हम सेमी सर्कल ओके सो ये हाफ ए सर्कल का पार्ट तो इसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल सो स्टूडेंट्स आज हमने किसके बारे में डिस्कशन किया यहाँ? शेप्स के बारे में फर्स्ट इज स्क्वायर, सेकेंड इज रेक्टेंगल थर्ड इज ट्रायंगल एंड फोर्थ वन इज सर्कल फिफ्थ इज सेमी सर्कल ओके क्लियर यस बच्चे अब नेक्स्ट देखो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरा चैप्टर नंबर फोर ज्योमेट्री एंड पैटर्न्स ओके सो so, अभी आपने क्या देखा था यस दिस इज रेक्टेंगल सो ए बी सी डी अब आपने ये सारी प्लेन फिगर बतानी है ओके रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल ये सारी चीजें अब आपने मैंने बता दी हैं अब बस उस चीज़ को आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करो सो फर्स्ट इज बी सी डी इज रेक्टेंगल इट हैज हाउ मैनी साइड्स आर दे आर डैश साइड्स जल्दी से बताओ वन टू थ्री तो ये क्या होगा इट हैज़ फोर साइड्स ए बी बी सी सी डी ए डी इट हैज़ हाउ मैनी कॉर्नर आर दे आर फोर कॉर्नर ओके और अपोजिट साइड का मैंने आपको बता दिया सेम दिस इज स्क्र सो ई एफ जी एच दिस शेप इज नॉन एज स्क्र इट हैज़ फोर साइड फोर कॉर्नर्स अब आप ये कंप्लीट करोगे ना मैंने आपको बता दिया अब साथ साथ आप ये कंप्लीट करना ओके और ये रिकॉल एक्सरसाइज भी है ये आपने करना है इनके नेम्स राइट करने हैं क्लियर जो शेप आपको नजर आ रही है वो आपने यहाँ पे फिल करते जाना बच्चे मैंने वीडियो एक्टिविटी के थ्रू मैंने आपको बताया है और ये आप इसके नेम्स राइट कर देना जैसे मैं आपको बता देती हूँ दिस इज सर्कल ओके स्क्वायर ये चीज़ मैंने आपको बता दी है क्लियर सो so, ये इस शेप के अकॉर्डिंग और हाँ अब हमारी जैसे मैंने आपको फोर फाइव शेप दिखाई हैं एक बच्चे अगर इस टाइप की आपको शेप नज़र आए लाइक दिस सर्कल ना सर्कल की जैसे दिखाओ बट प्रॉपरली सर्कल ना हो तो उसको हम बोलते हैं ओवल शेप क्या बोलते हैं ओवल शेप ओके सो ओवल शेप इसको हम कहते हैं इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है और इसके भी कोई कॉर्नर्स नहीं है देखो क्लियर बी पार्ट के अंदर भी आपने यही चीज़ करनी है स्क्वेयर्स की साइड बतानी है रेक्टेंगल की ट्रेंगल की सर्कल की जो आप पीछे करके आए हो सेकेंड के अंदर आपने यही दोबारा यही चीज बतानी है मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स बतानी है सर्कल स्क् ट्रैंगल में सर्कल में तो नौ साइड्स स्क्यर में फोर साइड्स ट्रैंगल में थ्री साइड्स इसी टाइप से आपने स्टेट साइड्स डजेंट हैच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्टेट साइड जिसकी स्टेट साइड्स नहीं है वो अब उन शेप्स में से आपको उसमें टिक करना है क्लियर विच ऑफ द हैज़ द नो कॉर्नर जिसके कॉर्नर्स नहीं है उसके बारे में बताना है सो स्टूडेंट्स ये आपका आज का होमवर्क है तो आपने अच्छे से करना है एफ पार्ट तक ओके okay? कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ राइट करे गए हैं तो उसके बिहाफ पे आपने क्वेश्चनिंग करनी है क्लियर तो ये बहुत इजी वर्क है इसलिए मैं ये चीज़ आगे नहीं आपको मैं लिखवा रही क्योंकि ये काम आप कर सकते हो सो so, ये आज आपका चैप्टर नंबर फोर स्टार्ट हो चुका है क्लियर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय टू ऑल ऑफ यू बाय बाय ये आप शेप्स देख लीजिए